हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। नेक्स्ट वीक फिफ्थ फेब के वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे और कौन से स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंट्राडे के लिए, वो भी आज हम लोग देखेंगे। दैट इज वीकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड 2 to 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स। लास्ट वीक भी हमने 2 to 3 ब्रेकआउट स्टॉक देखे, ऑल 3 आर रॉकेट, आप जाके चेक कर सकते हो। PFC हमने दिया था, हीरो मोटोकॉर्प दिया था, उसके पहले टाइटन दिया था। तो एवरी वीक जो स्टॉक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो रॉकेट ब्लास्टिंग दे रहा है, बिकॉज ये टेक्निकल पैटर्न होते हैं। वैसे ही टेक्निकल पैटर्न से आज हम 2-3 स्टॉक्स भी देखे, तो वीडियो एंड तक देखना है। पहले प्राइस एक्शन ओरिएंटेड देखेंगे। दिस इज निफ्टी का वीकली चार्ट। यहां पे वीकली में आप देखोगे तो लास्ट 5 to 6 वीक्स में कंसोलिडेशन ही देखा ही जा रहा है। मतलब अपर साइड आपका एक 22,000 एंड लोअर साइड में 21,500, मतलब ये 500 पॉइंट्स के में ही मोमेंटम हो रहा है अप एंड डाउन। एंड एवरी डे 300-500 पॉइंट्स का मोमेंटम दे रहा है, क्योंकि बजट वीक भी था। कल भी आपने देखा रहेगा कि डॉट एक टॉप मारा 22,125 का एंड फिर से निफ्टी डाउन आ चुका है। वीकली में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनने जा रहा है। ये कंसोलिडेशन काफी अच्छा है, मतलब मार्केट को और अपर साइड स्ट्रेंथ लेने के लिए बजट के पहले ये कंसोलिडेशन काफी हेल्प करेगा। और जैसे ही रिजल्ट वीक होगा, दैट विल बी द सुपर ब्लास्ट मोमेंट। सिर्फ नेक्स्ट वीक में टेंशन वाली बात क्या है, दिस इज निफ्टी का डेली चार्ट। ये जो भी कुछ दो बार टॉप मारा था 22,100, हम लोग राउंड फिगर लेते हैं, कल भी वही लेवल को उसने टच किया एंड फिर डाउन आया। फिर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा बेरिश कैंडल पैटर्न बना हुआ है। डेली पॉइंट ऑफ व्यू, वीकली में साइडवेज है, बट डेली में ये कैंडल एट द टॉप एक टेंशन क्रिएट कर सकती है। तो फिर इसके लिए फिर नेक्स्ट वीक का मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। तो दिस इज अवरली चार्ट। अवरली चार्ट पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, क्योंकि वीकली एनालिसिस अगर मुझे करना है तो वीकली में क्या कर रहा है, डेली में क्या कर रहा है, अवरली में क्या कर रहा है, ये डिसाइड करने के बाद मुझे फिर एवरीडे इंट्राडे में 5 मिनट एंड 15 मिनट में ट्रेड करना होता है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम कंसेप्ट प्राइस एक्शन से ही डिसाइड किया जाता है एंड इसके साथ हम लोग ओआर डेटा कंबाइन करते हैं। तो पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि यहां पे अवरली में आप देखोगे तो एक चैनल के फॉर्म में प्राइस रिएक्ट कर रहा है एंड यहां पे मेरा अभी 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज पर प्राइस एक्शन प्लस ओआई। तो यहां पे मैं पीए प्लस ओआई लिखता हूं। तो नेक्स्ट वीक आइदर मंडे को या ट्यूजडे को कभी भी अगर यहां पे 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का कैंडल ब्रेकडाउन होता है, ये चैनल का भी और इसका भी एक ब्रेकडाउन होता है कभी भी इन बिटवीन यहां पे आने के बाद, तो यहां पे हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई रखेंगे। डाउनसाइड मेरा टारगेट 21,650 एंड 21,500, ये दो टारगेट तक मैं इजीली होल्ड कर सकता हूं, क्योंकि अपर साइड एक पैनिक सेलिंग आ चुका। एंड ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया है कि 21,500 एंड 21,800 ये एक जोन बन चुका है, जो लास्ट फ्यू वीक्स में यही भी 500-400 आ गए, फिर से 800 जगह 800 पे सेलिंग प्रेशर था, 800 के नीचे आता। बट एक सक्सेसफुली 800 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए निफ्टी कैपेबल हो चुका है। तो यहां पे और एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी कि निफ्टी में अगर ये अगेन यहां से इसको अगर क्रॉस कर लेता है 21,900 के आसपास, तो अगेन ये 22,000 जाने के लिए रेडी हो सकता है, मतलब एक 100 पॉइंट्स की जगह। एंड यहां पे आने के बाद, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट अगर मैं देखूं तो 0.618 का रिट्रेसमेंट मेरा 22,000 के यहां पे होता है, तो 22,000 के यहां पे अगेन मैं एक शॉर्टिंग पॉसिबिलिटी देख सकता हूं बाय यूजिंग कैंडल कंफर्मेशन। तो मुझे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 22,000 के यहां पे जो साइकोलॉजी लेवल है वहां पे कौन से बेरिश कैंडल मुझे देखने पड़ेंगे, वो मुझे कमेंट में बताओ। और अभी तक आपने अगर मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं देखे, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो पहले जाके देखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड सेकंड आता है चार्ट पैटर्न, क्योंकि ये प्राइस एक्शन में इंक्लूड होता है। तो ये जब को सबको आप कंबाइन करोगे तभी आपके जाके स्ट्रेटजी एक एप्लीकेबल होगी। एंड एज पर ओवर डेटा एंड एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि ये 22,120 का टॉप अगेन हम लोग क्रॉस कर पाएंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक हम लोग को फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा। एज पर माय एनालिसिस ये इसके बीच में ही कंसोलिडेशन करते हुए दिखेगा एंड फिर एक डाउनफॉल आना चाहिए। दिस इज माय एनालिसिस। बट कोई भी हो, आइदर कंसोल्यूशन होगा या डायरेक्टली ब्रेकडाउन अगर होता है, तो 21,800 के नीचे आपको शॉर्ट ही करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 21,850। ये स्टॉप लॉस रखेंगे और डाउनसाइड हम लोग टारगेट ओपन रखेंगे। तो दिस इज माय निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस। अभी इसी तरह हम लोग बैंक निफ्टी के पास जाते हैं। दिस इज बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी में तो एक टॉप मार के आया है। बैंक निफ्टी का टॉप आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टॉप और ये जो भी कुछ
प्राइस है 46,000, स्टिल इसके बीच में 3,000 पॉइंट्स का गैप है, वो फिलअप करना बहुत डिफिकल्ट है। और फ्राइडे का जो एक्शन हमने देखा, फिर ये कैंडल का हाई देखो, ये कैंडल का हाई देखो, ये कैंडल, एक सेम प्राइस से रिजेक्शन आया हुआ है, दैट इज 46,500। तो जब तक अभी ये 46,500 के ऊपर ये लेवल याद रखना, जब तक क्लोजिंग डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी में बड़ा बुलिश रैली आना इम्पॉसिबल। तो जिस दिन 46,500 के ऊपर क्लोजिंग होगा, आप डेफिनेटली उस मंथ का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके जाइए, आपको ये अपर साइड टारगेट जरूर दिखेगा, मतलब अपर साइड मेरे 2,000 to 2,500 का रैली इन शॉर्टर पीरियड में आ सकता है। अब देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज बना रहा है, जहां पे अपर साइड में 46,500 एंड लोअर साइड में 44,000 एक है एंड 45,000 है, मोस्टली मैं 45,000 बोलता हूं, तो ये एक 1,500 पॉइंट्स के बीच में, बट ये वोलेटिलिटी बहुत है क्योंकि ये 1,500 पॉइंट्स वो डेली अल्टरनेट डेज में कवर अप कर रहा है, अपर साइड भी और लोअर साइड भी, मतलब 500 अपर जाता है 500 पॉइंट्स डाउन आता है, तो डेली 1,000 पॉइंट्स का रेंज बैंक निफ्टी में बन रहा है। इट्स गुड वोलेटिलिटी फॉर द ट्रेडर्स जिनको प्राइस एक्शंस पता है, जिनको ओआर डेटा पता है कि स्ट्रांग बुलिश अगर जब तक मेरा ओआर डेटा नहीं होता तब तक मैं कॉल ऑप्शन बाय नहीं करूंगा, जब तक स्ट्रांग बेरिश ओआर डेटा नहीं होता तब तक मैं पुट ऑप्शन, इस स्ट्रैटेजी विथ योर स्ट्रेटेजी आप कंबाइन करोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दिस इज एज पर प्राइस एक्शन भी आप देखोगे यहां पे भी एक चैनल फॉर्म में है, मंडे के दिन या ट्यूजडे के दिन जब भी ये लो अगर जाता है, दैट इज 45,900 का लो अगर ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली डाउन साइड में मुझे 45,600 to 45,700, ये 200 से 300 पॉइंट्स का रैली तुरंत एक 5 मिनट कैंडल में दिखाई देगा आपको। आप देखेंगे कि कैंडल्स का साइज देखो, उससे आपको पता चलेगा कि जब भी मोमेंटम आ रहा है 15-15 मिनट में आपको 200 से 300 पॉइंट्स का रैली बैंक निफ्टी देके जा रहा है, तो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। एंड व्हेनेवर द बैंक निफ्टी इज बिलो 45,600 तो आपको डेफिनेटली पैनिक सेलिंग करना है फॉर द टारगेट ऑफ 45,200 एंड 45,000, ये दो टारगेट के लिए मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा, यहां पे मुझे 300 से 500 पॉइंट्स मिल सकते। लॉन्ग कभी करना है, लॉन्ग आपको अगर करना है तो 46,400 के ऊपर अगर निकलता है तो ही हम लॉन्ग करेंगे, अगेन हम लोग फिर 46,800 एंड 47,200 तक इजीली जा सकता है, बट ये क्रॉस करना डिफिकल्ट है। तो मंडे या ट्यूसडे के दिन अगेन एज पर ओआर डेटा एंड प्राइस एक्शन, अगर प्राइस रिजेक्शन लेती है ये लेवल पे 46,300 to 46,400 के, यहां पे मुझे अगर रिजेक्शन मिलता है एज पर कैंडलस्टिक विद ओआर डेटा कंफर्म, तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा यहां पे टॉप में, एंड फिर मेरा ये टारगेट 1 एंड टारगेट 2 मुझे बैंक निफ्टी में इजीली दिख सकता है, एंड लॉन्ग के लिए मुझे ये ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है विद स्ट्रांग बुलिश ओआर डेटा। सो दिस इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो एज पर ओआर डेटा अगर आप देखोगे तो यहां पे 1,40,000 जहां पे 46,500 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, एंड अपर साइड में 47,000 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब हर एक 500 पॉइंट्स के यहां पे आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखेंगे, एंड सपोर्ट के लिए यहां पे 46,000 का एक सपोर्ट है जो वीक हो चुका है ऑलरेडी क्योंकि यहां के एग्जिट हो चुके हैं। तो मंडे को अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो शॉक होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 46,000 के बाद आप अगर सपोर्ट देखोगे तो स्ट्रांग सपोर्ट मेरा अगेन 500 पॉइंट पे 45,500 एंड 45,000, तो बैंक निफ्टी 500 46,000 47,500 ऐसे 500 पॉइंट्स पे ओआर डेटा बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 500 पॉइंट्स पे वर्क हो रहे, बट डिपेंडिंग अपन प्राइस एक्शन आप 200 टू 300 पॉइंट्स के पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते। बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने का एक काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पीयूसी बैंक। मार्केट किधर भी जाने दो, बट जो गवर्नमेंट बैंक्स है आप देख सकते हो, ये लास्ट मंथ ही हमने मेरे प्रो बैच को भी बताया था, जहां पे हमारा बेसिक टू एडवांस लर्निंग चलता है प्रो बैच का, जहां पे 3 मंथ्स का इंटेंस प्रोग्राम है, जहां पे एक्चुअल प्लस लाइव मार्केट ट्रेनिंग, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो प्रो बैच के लिए अगर आपको अधिक जानकारी करनी है तो प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, न्यू बैच हमारा चालू होने वाला है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीयूसी बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया 5,400 के यहाँ पे, अभी तो ये 6,700 आ गया, 1,300 पॉइंट बढ़ गया, बट मेरा टारगेट 8,000 है। तो पीयूसी बैंक में बहुत अच्छी रैली है, पीयूसी बैंक के दो अच्छे दावेदार है एज पर बजट के हिसाब से, पीयूसी बैंक में रैली आने वाली पेंडिंग है वो, मतलब पहला स्ट्रॉन्ग दावेदार मतलब एसबीआई, आप देख सकते हो एसबीआई का डेली चार्ट है, यहाँ पे एक 660
एसबीआई का एक हर्डल लिया है, जैसे ही ये 660 निकालेगा आपको एसबीआई में लॉन्ग एंट्री लेनी है। मेरा अपर साइड टारगेट होगा 700, टारगेट टू है 735 एंड टारगेट टू है 770, मतलब 100 पॉइंट्स का रैली पेंडिंग है एसबीआई। अगर ये 100 पॉइंट जाएगा तो बैंक निफ्टी को ये इजीली 1000 to 2000 पॉइंट्स अपर टॉप तक लेके जाने की क्षमता रखता है। अगर आप ये 660 के ऊपर लॉन्ग करते हो तो ये कैंडल का लो मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा, दैट इज 650 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रह सकता है। और एक कैनरा बैंक है जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया, आप दे सकते हो, 4-5 महीने पहले 300 का स्टॉक्स था, अभी 500 हो चुका है, बट ये बड़ी छलांग मतलब एक 700 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक 520 इसका एक हर्डल है, मेजर हर्डल, जहां पे उसने 2-3 बार रिजेक्शन लिया था। दिस इज मंथली चार्ट, जैसे ये 520 क्रॉस करेगा आप देखेंगे विद इन अ शॉर्टर टाइम में 570, 635 एंड 695, 700 ये टारगेट मुझे इजीली दिखाई देंगे विद द क्लोजिंग स्टॉप लॉस ऑफ 500। तो ये दो बड़े दावेदार है जो बैंक निफ्टी को बड़े टारगेट तक लेके जा, इनका योगदान बहुत कम है, बट पीयूसी बैंक के रैली प्राइवेट बैंक्स को भी एक लीड कर सकती है। तो ये दोनों पीयूसी बैंक के अच्छे दावेदार है जो आपको नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक या कुछ मंथ तक होल्ड कर सकते हो, बट लेवल्स आपके लिए मैंने बता दिया। जैसे आपने देखा रहेगा कि बजट में ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, इसके ऊपर बहुत अच्छे बातें हुई थी एंड इसको गवर्नमेंट बहुत अच्छे से प्रमोट करने वाला है आगे आने वाले 5 इयर्स के लिए। तो इसके लिए वन ऑफ द स्टॉक है ग्रीन पावर करके, वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो कि लास्ट 3 मंथ्स का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है एंड स्टॉक अभी करंटली 28.50 पे चल रहा है। इसको बाय अबाउट 29 कर सकते हो, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 20 रख सकते हो, अपर साइड टारगेट 45, 65 एंड 90 एंड स्टॉप लॉस 20। इसको आप ऐड भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके आपको 25 to 26 के रिट्रेसमेंट में मिलता है तो आप रिट्रेसमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप 3 वीक ने इसने कितना बड़ा टारगेट, इसका यही पैटर्न है, ये पैटर्न बिहेव कर रहा है, 2-3 कैंडल कंसोलिडेशन, इसके बाद भी ऐसे 2 वीक के कैंडल्स बनने पेंडिंग है जो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट इजिली अचीव करके दे सकते हैं। तो दिस इज अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक जिसमें आप नेक्स्ट वीक बेट लगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपके इन्वेस्टमेंट का हार्डली 10% ही आपको लगाना होता है। बिफोर टेकिंग एंट्री आपके पर्सनल एडवाइजर को आप पूछ सकते हो, बिकॉज वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर, तो कंसल्ट योर एडवाइजर एंड देन टेक द एंट्री, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट करते हुए 10% ही आपके इन्वेस्टमेंट पे डालना। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच कैश सेगमेंट कॉल्स, तो आप जस्ट एक कोटक में अकाउंट ओपन करवाइए, कोटक सिक्योरिटी में, जहां पे आपको ऐसे कैश सेगमेंट स्टॉक्स लाइफ टाइम फ्री रहेंगे। आपको जस्ट एंट्री एग्जिट लेना है, 10% ऑफ आपका कैपिटल डालना है एंड वहां पे इजिली मंथली 5-10% या 2 वीक में 5-10% या मंथली में हम लोग इजिली कैश इक्विटी में अच्छा आपका जो भी कुछ ग्रोथ आपको दिखाएगा, क्योंकि इंट्राडे में बहुत वोलेटिलिटी है एंड ऑप्शन में सारा पैसा लगा के आप लॉसेस कर सकते हो, द बेटर वे यू कैन ट्रेड इन द इक्विटी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीकली एनालिसिस विद 2-3 स्टॉक्स हमने बताया आपको। डेली इंट्राडे में कॉल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।